हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम आपके लिए एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि मेन हो या फिर वुमन हो, छोटे बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, किसी भी एज में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हाथ पैर की खाल निकलना। तो ये जो हाथ पैर की स्किन निकल रही है, खाल निकल रही है, ये ऐसा क्यों होता है, ये स्किन क्यों निकल रही है? आपके जो पानी में हाथ चले जाते हैं, जब भी आप ज़्यादातर मात्रा में हाथ पानी में रख रहे हैं, तब आपकी स्किन जो है वो स्वेल हो जाती है, जिसके कारण ये जो स्किन है वो निकल आती है। क्या ये एक रोग है? हाथ पैर की जो खाल निकल रही है उसे ठीक कैसे किया जाता है? तो हमारी जो चमड़ी है पैरों के तलवे में और आपके जो थंब यानी कि जो फिंगर है और थंब है उसके बीच में भी कभी कभार आपको स्किन निकलना जैसा फील होता है, तो ये क्यों हो रहा है? हाथ की स्किन छिलके जैसी उतरना। आप जब भी ये जो स्किन देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लेयर सा बन गया है, जब भी आप इसे निकालेंगे तो ये एक छिलके जैसी रिमूव होगी। देन खाल उतरने लगती है, तो आप यहाँ पे देखिए पूरी तरह से ये जो स्किन है वो बाहरी की ओर निकल रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे कैसे ठीक किया जाता है? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में कवर करेंगे, जिसे हम पीलिंग स्किन कहते हैं। पील मतलब निकलना, स्किन का बाहर निकलना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि पीलिंग जो स्किन है वो क्या है, ये रोग क्यों होता है, उसके कॉजेस के बारे में जानेंगे, सिम्टम्स क्या है यानी कि लक्षण क्या है, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं यानी कि इसका निदान क्या है, और ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए अब समझते हैं इस बीमारी के बारे में। कई बार हाथों और पैरों की त्वचा निकलने लगती है, तो ये जो है वो बारिश के सीजन में ज़्यादातर लोगों को ये समस्या होती है। बिकॉज बारिश के सीजन में क्या होता है कि ज़्यादातर मात्रा में हमारी जो स्किन है वो पानी के अंदर रहती है। यह समस्या उन लोगों को ज़्यादा होती है जो लोग पानी में ज़्यादा काम करते हैं। हाथों और पैरों की नमी के कारण भी यह समस्या हो सकती है। आपकी जो स्किन टिश्यूज़ है वो अगर सॉफ्ट हो जाते हैं तो उसके कारण भी आपको ये जो स्किन है वो पील होने लगती है। तो ये एक बीमारी है आपको, तो इस बीमारी को हम पीलिंग स्किन कहते हैं। द स्किन ऑन द फिंगर टिप्स में पील ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन सच एज सोराइसिस। तो ये जो है वो सोराइसिस के दरमियान भी आपको हो सकता है। तो हमने डिटेल वीडियो लेक्चर सोराइसिस पे बनाया हुआ है, तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, तो आई बटन के थ्रू भी आप सोराइसिस के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो पहला है, आप बार बार हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, तो हैंड वॉशिंग के कारण क्या होगा, आपकी जो टिश्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, आपकी स्किन में नमी नहीं रहती है। अगर नमी नहीं रहेगी तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो क्रैक बन रहे हैं उस तरीके से क्रैक बन के ये स्किन में पिल्स हो जाते हैं यानी कि रिमूव होने लगती है। अब उसके कॉजेस के बारे में देखें कि किस कारण ये बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले है एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर सीजन चेंज हो रहा है, बारिश की मौसम है, ठंड की मौसम है, तो उस दरमियान भी आपको स्किन की खाल निकल आती है, आप बार बार हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसी वैदरिक कंडीशन है और सनबर्न है आपको, फिंगर एंड थंब सकिंग है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हैं या फिर एडल्ट है या फिर बूढ़े हैं, तो इन लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, एक ऐसी समस्या होती है कि वो थंब और फिंगर सकिंग करने लगते हैं यानी कि चूसने लगते हैं। तो ये होने के कारण भी ये जो कर रहे हैं, थंब सकिंग कर रहे हैं, फिंगर सकिंग कर रहे हैं, तो ये उनकी बचपन की पुरानी आदत है। तो इस आदत से भी आपको स्किन में पिलिंग हो सकता है। अगर किसी को नेल बाइटिंग यानी कि नाखून खाने की आदत है, और अगर आपको विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, विटामिन्स की कमी हो गई है, तो उस दरमियान भी आपको ये जो रोग है वो हो सकता है। देन एक्सफोलिएटिव
केराटोलाइटिस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि केराटिन का लेयर अगर लो हो गया है तो वो भी एक्सफोलिएट होगा। अगर आपको सोराइसिस की कंडीशन है, इग्जिमा है, डाइसल्ड्रोसिस है, एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है एंड केवस की पिलिंग स्किन, यानी कि स्किन की खाल उतरना, तो ये जो कारण है उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक नया कोर्स है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में, जो कि हम इसी चैनल पर सीखते हैं। जैसे कि बीमारी अगर कोई हुई है तो उसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज एंड दवाइयाँ। तो अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी ऐप है फार्मारॉक्स, तो वहाँ से जाके उसका स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको फिजिकल बुक चाहिए, प्रिंटेड बुक चाहिए, तो वो भी आप हमारे ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करके अपनी जो फिजिकल बुक है वो ऑर्डर कर सकते हो। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि पिलिंग स्किन के लक्षण क्या है, ये जो बीमारी हो रही है, स्किन की जो खाल निकल रही है उसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है इसका। तो इसके सिम्टम्स के बारे में अगर सीखे तो सबसे पहले स्मॉल फ्रॉम ब्लिस्टर ऑन द साइड ऑफ पाम फिंगर एंड सॉल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो सॉल है यानी कि पैरों के तलवे के नीचे ये जो पिलिंग हो रही है, तो स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी स्किन में ये बाहरी ओर निकल रहे हैं, तो आपको पेनफुल ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, यानी कि एक आप यहाँ पे देखें तो ये जो है वो पूरा एक ब्लिस्टर सा बन गया है, तो एक ऐसा फॉर्मेशन हो गया है जिसमें पूरी तरीके से खाल बाहर निकल आती है। अब ये जो स्किन है वो आपको इची, यानी कि वहाँ पे आपको खुजली आ सकती है, स्कैली स्किन दिख सकती है, वहाँ पे ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, स्वेट के इंक्रीज होने से, यानी कि स्वेट के बढ़ने से भी आपको वहाँ पे ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। अगर आपकी क्रैक्स और ड्राई स्किन है तो उसके कारण भी आपको ये जो है वो लक्षण दिखते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखे, इसका डायग्नोसिस क्या है, क्या निदान है, कैसे पता चलेगा कि आपको इस रोग की बीमारी है। तो पर्सनल एंड मेडिकल हिस्ट्री चेक की जाती है, जब भी आपके जो फिजिशियंस है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसे आप कंसल्ट करवाते हैं, तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री चेक की जाती है, तब आपका एग्जामिनेशन होता है, स्किन की बायोप्सी होती है, देन अगर आपको कोई एलर्जी है, कोई ड्रग का रिएक्शन हुआ है तो उसके बारे में भी एलर्जी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा, तो ये इसका निदान है। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको इसी तरीके से कोई भी बीमारी है उसके बारे में आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सकता है। अब ट्रीटमेंट के बारे में देखें कि इसका उपचार क्या है। अगर आपको भी इसी बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, यही बीमारी आपको हुई है, आपकी भी स्किन निकल रही है, तो इसे ठीक कैसे करेंगे। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको हॉट वाटर जो है वो अवॉइड करना है, आपको वार्म वाटर यूजली यूज़ करना है, जहाँ पे भी आपकी स्किन निकल रही है वहाँ पे आपको रेगुलरली मॉइस्चराइजर लगाना है, आपको आपके जो हैंड एंड फीट है यानी कि हाथ एंड पैर है वो ठंडे पानी में सोक करना है, यानी कि भिगोना है, आपको ऐसे कपड़े या फिर सॉक्स या फिर ग्लोव्स नहीं पहनने हैं जिसके कारण आपको टाइटनेस फील होगी। देन उसके बाद आप ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी मेडिसिन ले सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ले सकते हैं, अगर आपको किसी की वुलन की या फिर ड्रग्स की कोई एलर्जी हो रही है जिसके कारण आपको पिलिंग स्किन हो रहा है तो आपको एंटी एलर्जिक ड्रग लेनी चाहिए, देन नॉन स्टेरॉयडल इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग आती है वो भी ले सकते हैं एंड फोटोथेरापी भी ले सकते हैं। तो चलिए इसके डिटेल ट्रीटमेंट के बारे में सीखें। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपको मॉइस्चराइजिंग का है, यानी कि अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं आपके अफेक्टेड पार्ट पे तो आपको ईजीली हीलिंग हो सकता है एंड मॉइस्चराइजिंग मिल सकता है। आपको डेली 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, अगर डिहाइड्रेशन होगा तो आपकी स्किन ड्राई हो सकती है।
उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो ब्रूफेन यानी कि आइबुप्रोफेन है, तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आपको वहाँ पे ब्लिस्टर्स पे पीलिंग स्किन पे पेन हो रहा है, तो आपको दिन में 1 से 2 टेबलेट पर डे लेना है। देन उसके बाद नेप्रोसिन एसआर टेबलेट आती है, सस्टेन रिलीज एसआर मिन, तो उसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो नेप्रोक्सिन है, तो ये भी एक पेन किलर है, आपको दिन में सिर्फ 1 ही टेबलेट लेनी है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है सॉरिड साइक्लोस्पोरिन कैप्सूल, तो ये कैप्सूल का जो डोज रहता है वो 7 से लेकर 9 mg/kg पर डे का रहता है, तो आपको एवरी 6 to 8 आवर्स में 2 to 3 कैप्सूल दिन में लेनी है। देन अगर आप साइक्लोस्पोरिन का ओरल सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ओरल सॉल्यूशन के मुताबिक इसका जो डोज रहता है 7 से लेकर 9 mg/kg पर डे का रहता है, तो इसका डोज आप कैसे लेंगे, तो 10 ml 2 to 3 टाइम्स दिन में एक बार आपको लेना है। अगर आपको क्रीम्स में चाहिए मेडिकेशन तो हाइड्रोकोर्टिकोजोन एसिटेट नाम की सॉल्ट कंटेंट है इसका, तो ये क्रीम भी आप लगा सकते हैं, तो आपको दिन में 2 से 3 बार ये जो क्रीम है वो लगानी है। डेंट्रायमसिलोनोन एसिटोनाइड ऑइंटमेंट आती है, तो ये ऑइंटमेंट भी आप दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको पिलिंग स्किन हो रही है, जहाँ पे भी आपका स्किन निकल रहा है। उसके बाद कैल्सिट्रायल ऑइंटमेंट आती है, तो ये भी आपको दिन में 2 से 3 बार यूज करनी है। देन कैल्सिट्रायल एंड क्लोबिडाजोल प्रोपियोनेट की कॉम्बिनेशन में ऑइंटमेंट आती है, शेड्यूल एच की ड्रग है ये, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी, तो ये ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। इस ऑइंटमेंट को आप जहाँ पे भी आपकी पीलिंग स्किन है, स्किन की खाल निकल रही है, वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। उसके बाद जो एलर्जिक में आप अगर हम देखें कि अगर आपको एलर्जी है तो एलर्जिक के लिए एक मेडिकेशन है मोंटेक एलसी, उसका सॉल्ट कंपोजिशन रखता है मोंटेल्यूकास सोडियम एंड लिवोसेट्रिजिन, तो इसका जो डोज है वो दिन में 1 टेबलेट का है, तो सिंगल टेबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। देन एलर्जी के लिए दूसरी टेबलेट है फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये नॉन ड्राउसी है, आपको ड्राउसीनेस नहीं होगी, तो ये भी सिंगल थेरापी है, दिन में एक बार आपको लेना है। देन उसके बाद जो कैप्सूल रहती है एक्रोटेक 25 mg, तो इसका जो डोज है वो दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। देन अगर आपको ये जो सारे ऑप्शंस है उससे आपको ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपको लाइट थेरापी लेनी चाहिए, जो कि स्किन जो स्पेशलिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो यूवी लाइट जो थेरापी है उससे भी आपको पिलिंग स्किन में, अगर आपको सोरियासिस है, एक्जिमा है, तो उसमें आपको हेल्पफुल रहती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको ये जो हमने मेडिसिन सिखाई है उसके बारे में, पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो लेक्चर चाहिए, तो मेरी दूसरी चैनल है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब करके वो वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।